उमात्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जुलाई के अंतिम भाग में क्या कुछ योग आपके लिए बनाने वाले हैं। 27 तारीख का ग्रह सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और इस दिन दोपहर को करीब करीब 10:23 तक प्रातः काल में भद्रा का योग है, तो तब तक नए कार्यों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन दिखाता है कि अननेसेसरी के शत्रु परेशान करने के योग बना सकते हैं। हो सके तो तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् एव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। देखिए, जीवन में विचित्र प्रकार की समस्याएं आती हैं समय समय पर, और उन सब के निदान के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। और शास्त्रों के उपायों को कई बार लोग भ्रांति के तौर पर ले लेते हैं। जहाँ शास्त्र में उपाय बताए जाते हैं, जैसे तेलाभिषेक शास्त्र में बताया गया है, वर्णन किया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि शत्रु मर्दन के लिए इस प्रयोग को करने से कहीं ना कहीं देव कृपा से प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अब लोग कई बार इसको ऐसा ले लेते हैं कि भगवान शंकर के पूजा से कैसे हम किसी का, देखिए सब ग्रह योग का प्रभाव है। आप उस समय में अपने अंदर उस पॉजिटिव एटीट्यूड को प्राप्त कर सकते हैं, सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। करना आपको ही यह समस्त कार्य, लेकिन सही दिशा हमें सही जगह नहीं मिलती है, और सही प्रार्थना से वो सही दिशा विचार मन में उत्पन्न हो जाता है। यही भाव हमको जगाना है, कार्य करने वाले भी आप और कार्य ना करने वाले भी आप, और हमें प्रार्थना परमात्मा की कृपा से वो सही दिशा प्राप्त हो जाती है और चलना हमको ही पड़ेगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखने का प्रयास करें। कई लोग भ्रांति के तौर पर इस विडंबना में फंस जाते हैं कि परमात्मा स्वयं, उसके लिए बहुत भक्ति चाहिए, आते हैं परमात्मा। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमात्मा निकल के कभी नहीं आते हैं। इस संसार में अनेक विभिन्न कथाएँ हुई हैं। सूरदास की लाठी पकड़कर भगवान स्वयं चलते थे, वो भक्त की पराकाष्ठा है। भक्ति की पराकाष्ठा है कि आप इतने अन्य श्रद्धा से कहाँ भगवान के प्रति समर्पित हैं। यदि वो समर्पित हो जाए तो बिल्कुल वो भी हो सकता है। तो इस उपायों को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लेने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हास्य परिहास में इन उपायों को जब बताया जाता है तो उसको लेने का प्रयास करते हैं। ये आपकी श्रद्धा का समर्पण है। श्रद्धा का समर्पण जब करेंगे ना, देखिएगा वो परमात्मा का रास्ता भी, वो विचार का रास्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगा। 28 जुलाई के दिन रविवार का अवसर, कालाष्टमी है। कालाष्टमी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, और सावन के महीने में कालाष्टमी जब कृष्ण पक्ष में आती है तो वो शिव से संबंध रखती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रादुर्भाव भी शिवलिंग के रूप में कालाष्टमी के दिन ही हुआ था, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान का रुद्राभिषेक, शिव का पूजन अद्भुत रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त कष्टों का निवारण होने के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े से ग्रह भारी दिखाई देते हैं। चंद्रमा द्वादश भाव में चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे कराने के योग बना रहे हैं। थोड़ा सा मन को बेचैन करते दिखाई दे रहे हैं और सही दिशा पे मन कार्य करने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे में ओम नमः शिवाय का जप, शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक दूध से करने का प्रयास करें, आपके लिए सही दिशा प्राप्त होने का रास्ता बनेगा। 29 जुलाई का दिन नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है। सावन का दूसरा सोमवार का सुंदर योग है और चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं करीब करीब शाम को 4:45 के आसपास। ये बहुत सुंदर योग रहेगा। ऐसे में सोमवार का प्रभु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर होता है। सोमवार का दिन शिव का दिन, तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का आराधना करने का प्रयास करें। ये जो चंद्रमा का परिवर्तन है बृहस्पति के साथ यीशु योग बनने जा रहा है, ये 2-3 दिन के लिए आपके लिए सब मामलों में अच्छा रहेगा। नई एनर्जी जरेगा, चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे, तो इससे सुंदर योग कौन सा हो सकता है। यदि जन्मपत्री में योग बनाओ तो कहा जाता है गज केसरी योग विद्यमान हो गया है गोचर में, वही योग आपके लिए सुंदर बन के तैयार है और यह आपको कई नई शक्ति को देने वाला रहेगा, सही दिशा में काम करने वाला रहेगा। विचार अच्छे पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव विचार के साथ यदि सारे काम करने का प्रयास करेंगे तो सोमवार के दिन से सुंदर योग बन रहा है, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। बड़ी श्रद्धा के साथ कार्य करने का प्रयास करें, शिव का ध्यान करें, सबसे अच्छा रहेगा रुद्राभिषेक अपने नाम से कराएं। मनोकामना सिद्धि के लिए हो सके तो इच्छु रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें, बड़ा सुंदर आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। और भोलेनाथ तो एक छोटे से कर्म से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे शिवरात्रि, इन पूरे सावन के अवसर पर 30 दिन का बड़ा अनुष्ठान रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क करके अपने स्थान को आरक्षित कराएंगे तो सुंदर अभिषेक में भाग लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 30 जुलाई का अवसर मंगलवार दशमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए केवल मन विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें।
अभी भी मंगल बृहस्पति से थोड़े पीछे चल रहे हैं, तो उसको और थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। तो मंगल को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का पाठ करें। तो आपके जो थोड़े बहुत ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हैं वो भी आपको हिम्मत देने का प्रयास करेंगे। 31 जुलाई का अवसर, एकादशी, कामदा एकादशी का योग, बुधवार के दिन एकादशी पड़ रही है, बहुत शुभ है। बुधवार का दिन भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है और सबसे सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण की उपासना कामदा एकादशी के दिन बड़ी श्रद्धा के साथ की जाए। तो ऐसे में भगवान विष्णु श्री शय्य पर विश्राम के लिए गए होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आषाढ़ की एकादशी से योग बनता है तो 4 महीने तक चलता है, तो ऐसे में संपूर्ण रूप से भगवान का पूजन करना, तुलसी दल भगवान को अर्पित करना, भगवान का शैया परिवर्तन करना, ये सब कार्य कर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका चरणोदक प्राप्त कर सकते हैं, और उनका चरणोदक प्राप्त करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं, बृहस्पति का चंद्रमा के साथ सुंदर संबंध बना हुआ है और ये आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं बहुत प्रत्यक्ष, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है, उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाए तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं, देखिए ऐसा समझे कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्म पत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्म पत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है, गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है, अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पर डिपेंड करता है, आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्म पत्री में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपने मूल जन्म पत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को, प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, कौन उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्य उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है, किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म, ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली, तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है, यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यित करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सबकी गणनाएँ हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है,
सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है, ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हज़ारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये युग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा, हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास कह बोला नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर देखा, और जब हम प्रिडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर, बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन बाल्यकाल से ही, 5 साल वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना सीखना समझना बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो क्या। जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरण्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारी काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे, लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे योगों को, लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए। आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़, और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक, और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5वें सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए, इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है, भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं, सब समस्त सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है 8 से 10 बजे तक, मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर
बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ, धन्यवाद।